हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे बाइबिट के फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। बाइबिट जब एक्सचेंज लॉन्च हुई थी तब ये फ्यूचर ट्रेड के लिए ही काफी ज्यादा फेमस थी, क्योंकि इसकी फीस काफी कम है, जिस कारण से लोग काफी ज्यादा इसमें अट्रैक्ट हुए और इसमें फ्यूचर ट्रेड करने लगे। लेकिन आज के टाइम में बाइबिट में आपको स्पॉट ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग और बहुत सारे ट्रेडिंग के ऑप्शन आपको मिलते हैं, कॉपी ट्रेडिंग से लेकर बॉट ट्रेडिंग तक। साथ में इसके लॉन्च पूल, लॉन्च पैड सब कुछ यहां पर है, जो कि एक बेस्ट एक्सचेंज पे होता है। तो इस कारण से भी बाइबिट आज के टाइम में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन बाइबिट के फ्यूचर ट्रेड जब आप करते हो तो आपको इसमें फीस को भी समझना चाहिए कि बाइबिट का फीस स्ट्रक्चर क्या है और फंडिंग रेट क्या होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने बाइबिट में ट्रेड लिया और आपका $10 का प्रॉफिट चल रहा है, दो दिन से वो ट्रेड चल रहा था और ऑलमोस्ट $10 का आपका प्रॉफिट बना हुआ है। लेकिन किसी कारण जब आप उस ट्रेड को क्लोज करते हो तो $10 का जो आप प्रॉफिट कर रहे होते हो, वो अचानक से आप देखते हो कि सिर्फ $2 आपके पास आइए या फिर आपका माइनस में भी क्लोज हुआ है, जबकि ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल रहा था। तो ये होता है फंडिंग रेट के कारण, तो इसको भी समझना काफी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम यहां पर फीस के साथ, फंडिंग के साथ बाइबिट के फ्यूचर ट्रेड को भी समझेंगे कि किस तरह से आप अपने बाइबिट के फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, जहां पे मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो मैं वहां पर शेयर करता हूं। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहले अगर आपने बाइबिट में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसमें KYC आपको कंपलसरी है, तो KYC आपको कर लेना है। इसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, तो नो डाउट आप इसमें वर्किंग कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको डेरिवेटिव के इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारी फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके एसेट में फंड होना चाहिए, तो उस एसेट को आप देख लेना कहाँ पर आपका फंड है, आपके फंडिंग वॉलेट में है, स्पॉट वॉलेट में। अगर आपका फंड फंडिंग या स्पॉट वॉलेट में है तो आपको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र के ऑप्शन में क्लिक करके। यहाँ पर देख सकते हो फंडिंग अकाउंट का ऑप्शन है, स्पॉट अकाउंट का ऑप्शन है, तो स्पॉट वाले में आपको डेरिवेटिव सिलेक्ट कर लेना है और फंडिंग अकाउंट में जो भी आपके पास फंड है वो आपको सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम में क्लिक करके आप इसको कंफर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात करें कि इसमें फीस कितनी लगती है जब आप इसमें फ्यूचर ट्रेड करते हो, तो यहां पर देख सकते हो टेकर फीस रेट जो है वो है 0.055% का और मेकर फीस रेट है यहां पर 0.02% का। अब टेकर फीस का मतलब ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट मार्केट में किसी यहां पर बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, जैसे सपोज BTC का प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और आपको मार्केट प्राइस में ही इसको बाय या सेल करना है, तो फिर यहां पर आपको फीस ज़्यादा देना पड़ता है, सभी एक्सचेंजेस में ये रूल है। और अगर आप लिमिट में बाय करते हो, यहाँ पर आप ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लिमिट का और मार्केट का। तो अगर किसी कॉइन को आप मार्केट में ही बाय सेल करना चाहोगे तो फीस आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जिसे हम टेकर फीस भी यहां पर कहते हैं। और अगर आप लिमिट में बाय करते हो या सेल करते हो तो आपकी फीस थोड़ी सी कम होती है, जिसे हम मेकर फीस यहां पर कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करें कि अगर आप बाइबिट में फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आपको फीस कितना देना पड़ता है। तो इस चार्ट के थ्रू अगर हम बात करें तो जस्ट सपोज करो कि अगर आपने 1x लेवरेज के साथ किसी भी कॉइन के ऊपर आपने बाई या सेल किया है और अगर आपने मेकर फीस आपने यहां पर दिया है, तो ₹1000 के INR में मैं आपको बात कर रहा हूं, तो ₹1000 में आपका जो फीस होता है वो होता है ऑलमोस्ट 20 पैसे का, अगर आपने 1x लेवरेज के साथ यहां पर ट्रेड किया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जितना लेवरेज आप लेते हो, अगर आपने 10x लेवरेज किया है तो 20 पैसे आपके ₹2 बन जाते हैं और अगर आपने 100x का लेवरेज लिया है तो ये ₹2 आपके ₹20 आपके बन जाते हैं। मतलब ₹1000 में 1x लेवरेज के साथ आप यहां पर मेकर फीस दे रहे हो 20 पैसे और टेकर फीस के बारे में बात करें तो ₹1000 में आप 55 पैसे आप फीस दे रहे हो अगर आप 1x लेवरेज के साथ यहां पर ट्रेड कर रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्स का लेवरेज लिया है, जितना ज्यादा एक्स का आपका लेवरेज होगा उतना ज्यादा आप यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो किसी अदर एक्सचेंज के मुकाबले हम यहाँ पर बात करें तो बाइबिट का ये फीस काफ़ी कम है, जिस कारण से आज लोग यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं।
अब दूसरा हम बात करें फंडिंग रेट के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैस्मी यूएसडीटी का ये ट्रेड, यहाँ पर मैं ग्राफ को ओपन किया हूँ। फंडिंग रेट आप देख सकते हो 0.01 का है। तो आप इसको ऐसे अनुमान करना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, कि अगर फंडिंग रेट आपका 0.01 है और अगर आप जैस्मी यूएसडीटी में लॉन्ग करोगे तो आपको यहाँ पर एक फीस देना पड़ेगा 0.01%। मतलब अगर आपने $200 से ट्रेड लिया है तो $200 का 0.1% आपको फंडिंग फीस देना पड़ेगा हर 8 घंटे में। तो यहाँ पर टाइम की काउंटिंग चल रहा है, आप देख सकते हो 3 घंटे 54 मिनट। तो जैसे ही 3 घंटा 54 मिनट यहाँ पर एंड होगा तो आपका 0.1% फंडिंग रेट लगेगा अगर आपने जैस्मी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग किया है। तो अगर आपने इसमें शॉर्ट किया है तो फंडिंग रेट आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब आप यहाँ पर रिसीव करोगे फंडिंग रेट। तो सिंपल परिभाषा में आप समझ लो कि फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लोगे तो आपको फंडिंग रेट देना पड़ेगा, और ये फंडिंग रेट जाएगा जो इसे यहाँ पर शॉर्ट करेगा। तो हर 8 घंटे में फंडिंग रेट लगता है और ये चीज़ें कॉमन है, सभी एक्सचेंजेस में लगती है, और इसी कारण से आपका ट्रेड यहाँ पर कभी कभी माइनस में भी चल जाता है जबकि आप उसे प्रॉफिट में बुक करते हो, क्योंकि आप वहाँ पर एक ज़्यादा फंडिंग रेट दे रहे होते हो। अलग अलग कॉइन्स में फंडिंग रेट अलग होता है, तो जब आप फ्यूचर ट्रेड लो तो फंडिंग रेट देख कर लेना कि कितना ज़्यादा फंडिंग रेट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर 0.25% का फंडिंग रेट है तो उस कॉइन को आप लीव करना, अगर आप उसमें लॉन्ग करने की सोच रहे हो तो। आई होप कि ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं कि आप इसमें फ्यूचर ट्रेड कैसे करोगे। तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रॉस एंड आइसोलेटेड, यहाँ पर मार्जिन मोड है। तो जब आप फ्यूचर ट्रेड करो बिगिनर्स हो तो पहले आप आइसोलेटेड को सिलेक्ट करना। क्रॉस में सिलेक्ट करोगे तो आप ऐसा समझो कि आपके डेरिवेटिव अकाउंट में $100 है और आपने यहाँ पर क्रॉस सिलेक्ट किया है और $10 से किसी कॉइन में आपने यहाँ पर बाय या सेल किया है, ठीक है। अब वो ट्रेड आपके अपोजिट में जा रहा है तो अगर आपने उसे क्लोज करने आप उसे भूल चुके हो, आपको दिमाग में नहीं है कि आपने एक ट्रेड लिया है, तो वो $10 जैसे ही आपका यहाँ पर अपोजिट में जाएगा तो जो $190 आपके फंडिंग वॉलेट में बचाए उस फंड को भी ये यूज कर लेगा। मतलब ओवरऑल तब तक आपका ट्रेड चलेगा जब तक आपका $100 यहाँ पर एंड नहीं हो जाता। इसीलिए बिगनर्स को हमेशा एडवाइस दी जाती है कि आइसोलेटेड को सिलेक्ट करें ताकि वो $10 से ट्रेड ले, और अगर वो ट्रेड अपोजिट में जाता है तो $10 से ही वहाँ पर ट्रेड जो है उसका वो कट हो जाए, इससे ज़्यादा उसका नुकसान ना हो, ठीक है। अब दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लेवरेज का ऑप्शन है, तो लेवरेज को अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करना। जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे आपकी फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी और आपका रिस्क भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो तो हाई लेवरेज यूज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से ट्रेड करना चाह रहे हो कि ये ट्रेड यहाँ अभी मार्केट डंप हुई है तो 10-20% तुरंत पंप हो सकता है, तो 2-3 दिन होल्डिंग के लिए आपको ट्रेड लेना है तो कम लेवरेज के साथ आप यहाँ पर ट्रेड करना, ठीक। इसके ऊपर में आपको कॉइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसमें जब क्लिक करोगे तो बहुत सारे कॉइन आपको मिलेंगे, तो जिसमें चाहो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। जैसे सपोज आपको सोल में ट्रेड करना है तो सोल में आपने क्लिक किया, इसका चार्ट अगर आपको देखना है, चार्ट का ऑप्शन है तो चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी 4 आवर चार्ट में सोल यहाँ पर बुलिश लग रहा है, यहाँ से एक अच्छा पंप हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड का ऑप्शन है तो ट्रेड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव में फिर से आ जाओगे और यहाँ पर अब आप सोल यूएसडीटी में ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको लिमिट का, मार्केट का, कंडीशनल, चेस लिमिट, स्कैल्टी, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मिनिमम जो दो चीज़ें यहाँ पर मैं यूज करता हूँ, लिमिट का और मार्केट का, कंडीशनल चेस ये किसी और वीडियो में हम समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेन जो चीज़ आपको यहाँ पर यूज करना है वो है लिमिट का और मार्केट का। तो लिमिट मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे अवेलेबल बैलेंस शो कर रहे हैं $10 का। प्लस आइकन में क्लिक करके आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो बाय करने के लिए मैं मार्केट को ही यूज करूंगा, मार्केट पे मैं यहां पर आ गया और यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कितने डॉलर से यहां पर मुझे लॉन्ग करना है या सेल करना है, ठीक है, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो यहां पर यह ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं यहां पर 50% सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहां पर लॉन्ग करूंगा, ठीक है। तो कंफर्म के उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा। आप लिमिट में भी कर सकते हो, लिमिट में आपको क्लिक करना है
कितने अमाउंट से आपको यहाँ पर लॉन्ग करना है ये आपको डाल देना है, और यहाँ पे एक प्राइस आपको सिलेक्ट कर लेना है 165.67 है। अब जब सपोज करो कि आपको लगता है कि सोल का प्राइस 165 डॉलर आएगा, तो इसको थोड़ा सा कट कर सकते हो 165, या फिर अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस 160 आएगा तो 160 डाल सकते हो। जैसे ही प्राइस आपका ट्रिगर होगा तो आपका ट्रेड यहाँ पर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है, सोल यूएसडीटी का पोजिशन में शो हो रहा है, देख सकते हो। अब इसमें आपको टीपी लगाना है और ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर टीपी आप लगा सकते हो कितने परसेंट का आपको लगाना है, यहां पर आप एसएल लगा सकते हो कितने परसेंट का एसएल आपको लगाना है। जस्ट सपोज करो कि आपको यहां पर 20% का एसएल लगाना है, और यहाँ पर जो टीपी लेना है वो बहुत ज़्यादा लेना है, 250 डॉलर भी आप रख सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि 200 डॉलर तक जाएगा तो 200 डॉलर भी रख सकते हो। टोटल क्या प्रॉफिट होगा वो आपको अब शो कर रहा है। अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है तो 10 डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा, जिसमें 207% का आपको आरओआई मिलेगा, और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 1 डॉलर का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस तरह से आपको अपना टेक प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा रखना है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा छोटा रखना है। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप भी दिया हुआ है, मतलब अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में चलेगा तो स्टॉप लॉस को चेंज भी कर सकते हो, छोटा सा चीज़ है। बट बेसिकली जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली चीज़ें हैं वो है यहाँ पर लिमिट और मार्केट, और इस ऑप्शन में सेट टीपी एंड एसएल, ठीक है। अगर आप इसको इंस्टेंट क्लोज करना है तो क्लोज बाय में क्लिक करके आप इंस्टेंट इसको क्लोज भी कर सकते हो। बाकी जब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, प्रैक्टिकली यहाँ पर काम करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके हम माइंड में बैठ जाएगी और इजीली आप ट्रेड कर पाओगे। तो आज के टाइम में बायबिट काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और बाइनेंस का बेस्ट अल्टरनेटिव है, और इसका एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लो, अकाउंट बना लो, और प्ले स्टोर में उसी अकाउंट के थ्रू सेम ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू इसको लॉगिन कर लो, और फिर वहाँ पर ट्रेड आप कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ पर सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई और चीज़ें आपके पास लग रहा है कि वो चीज़ें और बतानी चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद।